हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सुप्रिया सोनालिका, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, YSNM कॉलेज। डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा क्लास है वो PG सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है, और PG सेमेस्टर 2 के कोर्स का जो पेपर 6 है जिसका कोड CC202 है, और उसके अंतर्गत हम लोग जो है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो पेपर है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो पेपर है, उस पेपर के अंतर्गत यूनिट सिक्स की चर्चा आज के क्लास में हम लोग करेंगे, जिसके अंतर्गत हमें कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है, जिसको हिंदी में सामूहिक सुरक्षा कहते हैं। और सामूहिक सुरक्षा का अर्थ क्या है और इसकी आज वर्तमान परिवेश में क्या इसकी प्रासंगिकता है, इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो ये क्लास है वो UG सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेमेस्टर 4 के कोर्स के अंतर्गत पेपर जो 8 है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, उसके अंतर्गत यूनिट 5 के अंतर्गत इस टॉपिक को उन्हें भी पढ़ना है। तो आज का जो हमारा क्लास है वो दोनों ईयर के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, और आज हम जानेंगे कि सामूहिक सुरक्षा क्या है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो सामूहिक सुरक्षा का कंसेप्ट है उसका क्या अर्थ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत और जो हमारा राष्ट्र संघ था लीग ऑफ नेशन, उसके अंतर्गत सामूहिक सुरक्षा के बारे में क्या बातें कही गई थी, सामूहिक सुरक्षा का जो सिद्धांत है किन मान्यताओं पर आधारित है, और लास्टली हम देखेंगे कि जो सामूहिक सुरक्षा है उसकी अप्रासंगिक क्यों है या उसकी क्या प्रासंगिकता है आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सामूहिक सुरक्षा का अर्थ क्या है, सामूहिक सुरक्षा जो है क्या है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी आवश्यकता क्यों है। तो सामूहिक सुरक्षा, जैसे कि शब्द से ही पता है कि समूह में सभी लोगों की सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखने की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति को स्थापित करने और आक्रमण के निवारण करने के लिए एक युक्ति के रूप में सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का विशिष्ट महत्व है, ठीक है। और यह अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय संगठन और निशस्त्रीकरण के दृष्टिकोणों से भी जुड़ी हुई है, और शस्त्रीकरण का वास्तविक उद्देश्य आक्रमण का डर है, और अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो असुरक्षा की भावना है। तो आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रों को किन्हीं नए साधनों द्वारा आक्रमण से सुरक्षित किया जाना चाहिए, और यदि राष्ट्र अपने आप को आक्रमणों से सुरक्षित कर पाते हैं तो शस्त्रीकरण के प्रेरक शक्ति और वास्तविक कारण का अंतर्ध्यान हो जाएगा। और इसलिए जो है सामूहिक सुरक्षा का जो मेन काम है वो शांति को कायम रखने तथा युद्ध का प्रतिकार करने का एक तरीका के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो है राष्ट्रों की सुरक्षा प्रदान करने वाली एक अवधारणा है, और इस अवधारणा में सामूहिक सुरक्षा की इस अवधारणा को सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा के नाम से हम पुकारते हैं, और सामूहिक शांति सुरक्षा को कायम रखने का और तथा युद्ध को रोकने का या उसका प्रतिकार करने का यह एक माध्यम है, यह एक तरीका है सामूहिक सुरक्षा। अब है कि सामूहिक सुरक्षा का अर्थ क्या है। तो सामूहिक सुरक्षा शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, किंतु इसके मूल में एक ही बात है कि यह व्यवस्था, इस व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्र समूह जो है सामूहिक रूप से मिलकर किसी संभावित जो आक्रमण है उसका विरोध करने के लिए कृत संकल्प हो जाते हैं, और इसका आधार के रूप में यह मान्यता कार्य करती है कि उनमें किसी राष्ट्र के ऊपर होने वाला आक्रमण सभी राष्ट्रों पर किया गया आक्रमण है। इसमें ऐसा सोचा जाता है कि जो लोग आक्रमण का प्रतिकार करते हैं, एक साथ रहते हैं, तो वो लोग किसी भी जो आक्रमण जो करते हैं उनका होता है, तो उसको जो है वो उस आक्रमण को जो है संगठित रूप से उस आक्रमण का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं, और अगर किसी एक पर आक्रमण होता है तो सभी लोग जो है उसका उस देश का साथ देते हैं,
उस आक्रमण के विरोध में। तो सामूहिक सुरक्षा की इस व्यवस्था का संरक्षण एवं शांति का अभिवर्धक माना जाता है। शक्ति संतुलन की व्यवस्था दो के लिए दो गुट बनाए जाते हैं अथवा सैनिक संधियां की जाती हैं। उनका लक्ष्य दूसरे गुट अथवा दूसरे गुट के देशों का विरोध करना होता है। सॉरी, उन पर आक्रमण करना अथवा उनके आक्रमण से अपनी रक्षा करना होता है। परंतु सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था में विरोधी अस्पष्ट और संभावित होता है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा के कार्य में रत रहता है और यदि उनमें से कोई भी एक राष्ट्र पर अगर संकट आता है तो उस व्यवस्था के अंतर्गत बंधे हुए सभी राष्ट्र उसकी रक्षा के लिए सामूहिक रूप से जो है वो दौड़ पड़ते हैं। और सुरक्षा सिद्धांत की मान्यता यह है कि किसी भी समय पर संसार में शक्ति का वितरण इस प्रकार हो जिससे कि अधिकांश शक्ति उन लोगों के हाथों में केंद्रित होती है जो शक्ति की व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं। इसलिए यह व्यवस्था के इस व्यवस्था के अंतर्गत संसार की शांति भंग करने की कोई आक्रमणकारी का मुकाबला करेगा। और सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जॉर्ज स्वार्जर बर्गर ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विरुद्ध आक्रमण रोकने अथवा उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया करने के लिए किए गए संयुक्त कार्यों का यंत्र कहा है। मॉर्गेंथाउ ने के अनुसार सामूहिक सुरक्षा का सक्रिय प्रणाली में सुरक्षा की समस्या अब व्यक्तिगत राष्ट्र का समूह उत्थान है, नहीं इसका ख्याल शस्त्रों और राष्ट्रीय बलों के दूसरे अंशों में भी किया जाए। सुरक्षा का संबंध राष्ट्र राज्य से है और प्रत्येक की सुरक्षा का ख्याल सामूहिक रूप से करेंगे, जैसे उनकी अपनी अपनों जैसे वो अपनों की सुरक्षा खतरे में हो। यदि अगर मान लीजिए अ की सुरक्षा के लिए खतरा सिद्ध होता है तो स द य ब और की ओर से अ के विरुद्ध कदम उठाए जाएंगे। और मान लीजिए कि अ ने उनको और ब को चुनौती दी है तो ऐसी ही उसके विपरीत स्थिति होगी। मतलब एक सबके लिए और सब एक के लिए, ये एक सिद्धांत है, एक सबके लिए और सब एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का मूल मंत्र होता है। और जॉर्ज स्वार्जर नरबर्गर बंजर ने सामूहिक सुरक्षा का लक्षण बताते हुए लिखा है कि एक सुप्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के आधार पर हमले को रोकने के लिए यह विभिन्न राज्यों द्वारा सम्मिलित रूप से कार्रवाई करने का एक साधन है। जैसे ब्रिटिश राजदूत लॉर्ड लेफ्टसन ने बिस्मार्क ने 12 अप्रैल 1869 को ब्रिटिश विदेश मंत्री अर्ल ऑफ क्लेरिड ने 17 अप्रैल 1869 को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यदि तुम केवल इतना घोषित कर दो कि हर समय उस शक्ति को जो तुम जानबूझकर यूरोप की शांति को भंग करेगी तो सामूहिक शत्रु के रूप में तुम्हें देखा जाएगा और हम इस घोषणा में सम्मिलित होंगे और इनका पालन करेंगे। यह मार्ग यदि इसकी दूसरी शक्तियाँ जो है उसका समर्थन करें और यूरोप की शांति के लिए निश्चित गारंटी बनेगा। संक्षेप में अगर हम कहें तो सामूहिक सुरक्षा से अभिप्राय किसी एक राष्ट्र पर किया गया हमला सब राष्ट्रों पर हमला माना जाता है। दूसरा, किसी राष्ट्र विशेष की सुरक्षा अकेले उसी राष्ट्र की चिंता का विषय नहीं है बल्कि वह सारे अंतर्राष्ट्रीय समाज की चिंता का विषय है। तीसरा, यदि एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पैदा करता है तो खतराग्रस्त राष्ट्र की ओर से बाकी सभी राष्ट्र जो है वो कार्रवाई करेंगे। और चौथा, आक्रमणकारी के अलावा और सब राष्ट्रों के बीच सामूहिक सुरक्षा का सार तत्व है और हो सकता है कि इस सहयोग के
डर से आक्रमणकारी आक्रमण का विचार त्याग देंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो वो पूरे देश पर हमला होता है और इस पर जो बाकी राज्य हैं वो मिलकर उस पर कार्रवाई करते हैं। और किसी एक राष्ट्र की सुरक्षा जो है सिर्फ उसी की सुरक्षा का विषय नहीं है बल्कि वे सभी राष्ट्रों की सुरक्षा का विषय हो और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समाज की सुरक्षा का विषय है। और यदि कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है तो खतराग्रस्त राष्ट्र की ओर से बाकी सभी राष्ट्र जो है वो कार्रवाई करेंगे। और चौथी जो बात, आक्रमणकारी के अलावा सब राष्ट्रों के बीच सामूहिक सुरक्षा का सार तत्व होता है। मतलब हम मिलकर जो है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जगत में अगर ऐसी स्थिति आती है आक्रमण की या युद्ध की, तो ऐसे में मिलकर सभी राष्ट्र को जो है जो भी आक्रमणकारी या दोषी राष्ट्र हैं उसके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई करते हैं। और यही जो है एक सामूहिक सुरक्षा की बात होती है कि मतलब अपने अपने लिए ना लड़के सबके लिए लड़ना, मतलब कि एक जो है सबके लिए है और सब जो है एक के लिए है, मतलब खड़े होना। तो इसी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत सामूहिक सुरक्षा के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि सामूहिक जो सुरक्षा है उसका जो सिद्धांत है उस सिद्धांत की सैद्धांतिक मान्यता क्या है। मतलब ये सब जो कलेक्टिव सिक्योरिटी की जो बात है उसका कंसेप्ट क्या है, उस किस थियोरिटिकल एजम्पशंस पे वो टिकी हुई होती हैं, उनकी मान्यताएं क्या होती हैं। तो युद्ध को रोकने तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करने के प्रभावी साधन को के रूप में सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत कुछ सैद्धांतिक मान्यताओं के आधार पर आधारित है। और मॉर्गेंथाउ के अनुसार यदि सामूहिक सुरक्षा को युद्ध को रोकने के माध्यम के रूप में कार्य करना है तो तीन धारणाएं अवश्य रूप से पूरी हो सकती हैं या होनी चाहिए। पहली जो है कि यह एक सामूहिक व्यवस्था प्रत्येक अवसर पर इतनी जबरदस्त और शक्ति संचय करने की स्थिति होनी चाहिए कि आक्रमणकारी राष्ट्र और राष्ट्रों को आक्रमण करने का साहस ना हो, पहला। दूसरा जो है कि उन राष्ट्रों की सुरक्षा संबंधी धारणाएं, मान्यताएं एवं नीतियां समान होनी चाहिए जिन्हें सामूहिक रूप से आक्रमण का मुकाबला करना हो। और तीसरा इम्पोर्टेंट बात कि ऐसे सभी राष्ट्रों को अपने परस्पर विरोधी राजनीतिक हितों को सामूहिक सुरक्षात्मक कार्रवाई के हितों के लिए बलिदान करने को तत्पर रहना चाहिए। और इस तरह से मॉर्गेंथाउ ने सामूहिक सुरक्षा को जो बनाए रखने के लिए या युद्ध को रोकने के लिए ये तीन कंडीशन या तीन सिद्धांत जो है वो बताए हैं। इसके बाद आर्गेनिस की जो विचारक हैं उन्होंने भी सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा के बारे में पांच जो है आधारभूत मान्यताओं को बताया है, जिसमें पहला जो है किसी भी सशस्त्र संघर्ष में सब राष्ट्र इस बात पर एकमत होंगे कि कौन सा राष्ट्र आक्रामक है। ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन की एकदम डिसाइडेड होना चाहिए कि कौन सा राष्ट्र आक्रमणकारी है। और ये इस निर्णय को लेने में कोई समय नहीं लगाएगा क्योंकि आक्रमण का प्रतिकार करने में विलंब का अर्थ ही होता है व्यापक नुकसान। दूसरा इम्पोर्टेंट जो बात आर्गेनेस्की ने कही है कि सभी राष्ट्र आक्रमण को रोकने में समान रूप से रुचि रखेंगे, चाहे आक्रमण का स्रोत कुछ भी क्यों ना हो। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में आक्रमक का प्रतिकार करना वास्तव में सबसे अधिक मूल्यवान बात होती है और उसके मार्ग से मैत्री और आर्थिक लाभ के विचार जो है वो खड़े नहीं कर सकते हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात बताई गई है कि सभी राष्ट्र आक्रामक राष्ट्र के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए समान रूप से रुचि रखते हैं और उनमें ऐसा करने की क्षमता समान रूप से पाई जाती है। और चौथी जो बात कही गई है कि आक्रमणकारी को छोड़कर शेष राष्ट्रों की सामूहिक शक्ति आक्रांता राष्ट्र की शक्ति से बहुत अधिक होगी। और जो पांचवी बात आर्गेनिस्की ने कही है कि इस बात को समझकर कि उनके विरुद्ध प्रयुक्त होने वाली शक्ति उनकी शक्ति से कहीं अधिक है, आक्रामक राष्ट्र या तो युद्ध का विचार त्याग देगा और यदि ऐसा नहीं किया तो युद्ध में उसे पराजय निश्चित रूप से मिलेगी।
तो ये आर्गनेस्की ने चार उसके आधारभूत मान्यताओं का प्रतिपादन किया है। अब है कि सामूहिक जो सुरक्षा किसी का जो सैद्धांतिक मान्यता जो है वो क्या है, इन ये जो मान्यताएं हैं इनको अगर हम कंक्लूड करके देखें कि ये किस चीज़ पर आधारित है, आखिर ये क्या है, तो इसको समझने की आवश्यकता है। तो अगर सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांतों की मान्यताओं का अगर हम देखें तो हमें जो है कुछ बातें समझ में आती हैं, और उसमें से जो बातें समझ में आती हैं वो पहली बात है कि सभी राष्ट्र आक्रमणकारी को पहचानते हैं, मतलब पहचानेंगे, डिक्लेयर क्लियर होगा कि कौन सा राज्य जो है आक्रमणकारी है। ऐसा नहीं कि और राज्यों के बीच ये कन्फ्यूजन हो कि नहीं ये आक्रमणकारी नहीं है ये आक्रमणकारी है, तो एक जो है कन्फर्मेशन या एक पहचान होनी चाहिए कि आक्रमणकारी आखिर कौन है, ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके और स्पष्टता हो सके। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझ में आती है वो है कि आक्रमण को रोकने के सभी समान रुचि रखते हों, मतलब जितने भी राष्ट्र हों, ऐसा नहीं कि कुछ राष्ट्र चाहते हैं आक्रमण हो और करें जो आक्रामक राष्ट्र है उसको, और कुछ चाहते हैं कि नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें जो है बिल्कुल पहचान होनी चाहिए सही और गलत की, और उसके बाद जो है आक्रमण को रोकने के लिए सभी राष्ट्रों में एक रुचि होनी चाहिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि सभी राष्ट्रों में आक्रमण के प्रति प्रतिकार करने की क्षमता होनी चाहिए, मतलब जो आक्रमण कोई राष्ट्र कर रहा है तो उसका प्रतिकार मतलब विरोध करने का की हिम्मत जो है कहिए एक तरह से तो सभी राष्ट्रों में होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बोल रहे हैं कि नहीं कर ये गलत है और फिर उसके सामने नहीं बोल पा रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और जो चौथी बात कही गई है कि आक्रमणकारी राज्य की अपेक्षा समग्र की शक्ति अधिक होती है, मतलब अगर कोई भी आक्रमणकारी राज्य होगा तो उससे ज़्यादा अगर जो है वो समग्र की शक्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उधर से 10 लोग आक्रमण में मिले हुए हैं और इधर से कुछ लोग की मान्यता है कि ये आक्रमणकारी है इसके खिलाफ विचार होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पर उससे उसकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, शक्ति ज़्यादा होनी चाहिए, तभी उससे वो विजय प्राप्त कर सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट बात समझ में आती है कि विश्व शांति शक्ति की अधिकता पर आधारित होती है, विश्व शांति जो है वो शक्ति की अधिकता पर आधारित होती है। और जो छठा है वह राष्ट्र को आपस में राजनीतिक मतभेद को भुलाकर आक्रमणकारी के युद्ध जो आक्रमणकारी राज्य है उसके विरुद्ध जो है सामूहिक कार्रवाई करने के लिए सदैव जो है वो तत्पर रहना चाहिए। तो ये सारी जो महत्वपूर्ण जो है 5-6 जो है वो सिद्धांत हमें इसकी मान्यताओं से संबंधित समझ में आते हैं, और जब इस तरह का इरादा रखा जाएगा और इस तरह की चीज़ें होंगी तो सामूहिक जो कार्रवाई होगी वो अच्छे तरह से हो सकती है। और जो सामूहिक सुरक्षा जो है जिसका मेन कंसेप्ट ही है विश्व को युद्ध से बचाना, शांति को एस्टेब्लिश करना, उसका एक साधन है सामूहिक सुरक्षा, तो वो उसमें वो सफलता हासिल कर सकती है। अब हम देखते हैं कि जो सामूहिक सुरक्षा है उसके जो विचार है इसका विचार का विकास कैसे हुआ है, ये विचार आखिर कहाँ से आया कैसे आया। तो सामूहिक सुरक्षा का विचार का आरंभ जो है 17वीं शताब्दी की उन्स बानक संधि से माना जाता है, और इस संधि की 17वीं धारा में कहा गया था कि संविदा करने वाले सभी और प्रत्येक पक्ष को इस शांति संधि के प्रत्येक और सब रूपों को प्रतिरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, चाहे इसके विरोध में खड़ा होने वाला कोई भी राष्ट्र हो। और इसके बाद विलियम पेन ने यूरोप में शांति की सुव्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था का सुझाव दिया, और विलियम पीट ने 1805 में यह सुझाया था कि सब प्रमुख यूरोपीय शक्तियों की व्यवस्था शांति भंग करने के किसी भी प्रयत्न के विरोध में नई यथापूर्व स्थिति को मिलाकर समर्थन करना चाहिए, किंतु सामूहिक सुरक्षा जो है कि पद्धति का वास्तविक रूप से 20वीं शताब्दी में हमारे सामने आया, जबकि सन 1910 में अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा था कि यह एक महत्वपूर्ण बात है, यदि महाशक्ति
जो शांति में विश्वास रखती है, एक शांति संगठन बना ले जिसके जिससे न केवल उनके मध्य ही शांति रहे वरन किसी भी राष्ट्र के द्वारा उसके भंग किए जाने पर जाने के लिए यदि आवश्यक हो तो सामूहिक रूप से बल प्रयोग कर कर सके। और सन 1910 में ही एक अन्य विचारक वॉन वुलेन हीवन ने भी इसी प्रकार की एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का सुझाव दिया था जिसका अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा समर्थन भी किया गया था। और सामूहिक सुरक्षा के विचार के विकास में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हेग में कार्य कर रहे अंतर्राष्ट्रीय संघ ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के विचार को विशेष लोकप्रिय बनाने में प्रथम महायुद्ध में राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। वैसे तो जब वुड्रो विल्सन ने सामूहिक सुरक्षा के विचार का खुलकर समर्थन किया तो उससे पूर्व ही यह विचार अंतर्राष्ट्रीय जीवन में एक महत्वपूर्ण उपागम के रूप में जम चुका था। यहाँ तक कि राष्ट्र संघ जो लीग ऑफ नेशन था, हमारा पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो था, के निर्माण के लिए पेरिस में जो शांति समझौता किया गया उससे इसको मान्यता दी गई और इसे राष्ट्र संघ का आधार भी मान लिया गया था। और राष्ट्र संघ के रूप में पहली बार सामूहिक पद्धति ने संगठनात्मक रूप धारण किया था। और राष्ट्र संघ आयोग की 5वीं बैठक में संघ के विधान के 16वें अनुच्छेद को, जो सामूहिक सुरक्षा से संबंधित था, बिना वाद विवाद के स्वीकार कर लिया गया था। और सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर ही आधार पर की गई थी। और चार्टर के अध्याय 7 तथा महासभा के शांति के लिए एकता का प्रस्ताव द्वारा सामूहिक सुरक्षा पद्धति का विकास किया गया था। और इसी विचार के आधार पर सोवियत संघ की साम्यवादी पार्टी के तात्कालिक महामंत्री ब्रेजनेव जो थे 1969 में ने एशियाई सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इस तरह से हम देखें तो सामूहिक सुरक्षा का विचार जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय जो लीग ऑफ नेशन था उसमें भी था, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भी जो यूनाइटेड नेशन है उसके अंतर्गत भी था, और उसके पहले 17वीं शताब्दी में जो थी तो भी इसकी देखी गई थी, फिर 1805 में भी इसको देखा गया। लेकिन वास्तविक रूप में जो इस कंसेप्ट का जो पूरी तरह से उसका जो अस्तित्व में आया वो 20वीं सदी के बाद ही ये चीज़ आया है। अब हम देखते हैं कि जो सामूहिक सुरक्षा है वो सामूहिक सुरक्षा और क्या शक्ति संतुलन जो है एक ही समान है, एक ही चीज़ है, या इन दोनों में कोई अलग अलग चीज़ें हैं या अलग अलग बात है। तो सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा शक्ति संतुलन का विकल्प माना जाता है। और क्लाइड के अनुसार सामूहिक सुरक्षा शक्ति के व्यवस्थापन की दृष्टि से शक्ति संतुलन की तुलना में एक अधिक केंद्रीकृत प्रबंध है, और इसमें शक्ति संतुलन की तुलना में शक्ति का नियंत्रण अधिक होता है। सामूहिक सुरक्षा अवधारणा के जनक वुड्रो विल्सन ने शक्ति संतुलन अवधारणा का विरोध करते हुए लिखा था कि शक्ति संतुलन वाली विश्व व्यवस्था में राष्ट्र प्रतियोगितापूर्ण संधियों में बन गई है और बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं तथा स्वार्थपूर्ण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए करते हैं, जबकि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में राष्ट्रों के सहयोग का लक्ष्य होता है न्याय एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना, और इस जिसमें बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग सामान्य शांति स्थापना के लिए किया जाता है। तो सामूहिक सुरक्षा की जो व्यवस्था का प्रतिपादन इस रूप में किया गया है कि यह शक्ति संतुलन व्यवस्था का अंत करके और अंतर्राष्ट्रीय समाज के रूप में इसको बदल देगा, और शक्ति संतुलन की निहित मान्यताएं सामूहिक सुरक्षा के विचार से मेल नहीं खाती हैं। और पामर्स तथा पार्किंस का मत है कि प्रभावशाली विश्व सरकार के अभाव में सामूहिक सुरक्षा के सारे प्रयत्न जो हैं वो शक्ति संतुलन से संबंधित हो जाते हैं। और क्विंसी राइट ने भी कहा है कि शक्ति संतुलन तथा सामूहिक सुरक्षा के बीच संबंध एक ही
साथ एक दूसरे के पूरक तथा विरोधी भी है। और वे आगे लिखते हैं कि सामूहिक सुरक्षा को शक्ति संतुलन पर आधारित होना चाहिए और राष्ट्रसंघ की स्थापना यद्यपि उस उद्देश्य से की गई थी कि सामूहिक सुरक्षा शक्ति संतुलन का अंत करके उसके स्थान को प्राप्त कर लेगी, परंतु राष्ट्रसंघ का यह अनुभव था कि सामूहिक सुरक्षा का लक्ष्य बिना शक्ति संतुलन के साधन से प्राप्त नहीं हो सकता है। और यह स्वीकार किया गया कि प्रभावशाली राष्ट्र संघ के लिए शक्ति संतुलन एक आवश्यक सत्र है, आवश्यक शर्त है। और ओपेन हीम का विचार है कि राष्ट्र संघ का अस्तित्व शक्ति संतुलन और भी आवश्यक बना देता है, क्योंकि कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र संघ का उल्लंघन कर सकता है। राष्ट्र संघ की भांति संयुक्त राष्ट्र संघ की शक्ति संतुलन की दिशा में कार्यरत है, अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकता इसी ओर संकेत करती है कि सामूहिक सुरक्षा का आधार शक्ति संतुलन होगा। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था शक्ति के संतुलन के द्वारा ही लागू हो सकती है। और सिद्धांतः शक्ति संतुलन सामूहिक सुरक्षा एक दूसरे के विरोधी है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय समाज के वर्तमान ढांचे के अंतर्गत सामूहिक सुरक्षा के प्रयत्न शक्ति संतुलन से ही संभावित है या संबंधित है। अतः शक्ति संतुलन तथा सामूहिक सुरक्षा एक दूसरे के विरोधी तथा पूरक दोनों ही हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सामूहिक और शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा में कुछ अंतर है, और वो अंतर क्या है। पहला अंतर, जैसे शक्ति संतुलन जो है व्यवस्था उपयोगी प्रतियोगी स्वरूप वाली संधियों के परिणाम होती हैं, जो कॉम्पिटिटिव अलायंस होते हैं उसके परिणाम स्वरूप स्थापित होती हैं शक्ति संतुलन। लेकिन सामूहिक सुरक्षा क्या होती है, तो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था एक सार्वभौमिक संधि है जो प्रतियोगी संधियों के से भिन्न है, और यह कुछ संगठित राज्यों के विरुद्ध संधि नहीं वरन प्रत्येक आक्रमणकारी के विरुद्ध कार्रवाई होती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण अंतर इसमें देखा गया है वह है कि शक्ति संतुलन की धारणा दो या दो से अधिक विरोधी गुटों के अस्तित्व को मानकर चलती है और जो परस्पर संघर्षशील स्वभाव के होते हैं। वहीं सामूहिक सुरक्षा की धारणा में गुटबंदी का पूर्व कल्पना नहीं है, वह एक विश्व के सिद्धांत को मानकर चलती है। तीसरा जो अंतर है कि शक्ति संतुलन शांति और व्यवस्था के निर्माण के लिए संघर्षपूर्ण सहयोग का इच्छुक होता है, वहीं सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत संघर्ष को प्रतिबंधित करने के लिए सामान्य सहयोग पर बल देता है। चौथा जो अंतर है तो वो है कि शक्ति संतुलन सिद्धांत गुटबंदी के आधार पर आक्रमणकारी का विरोध करते हैं, और सामूहिक सुरक्षा की धारणा सामान्यतः सहयोग के आधार पर आक्रमणकारी का विरोध करते हैं। नेक्स्ट जो है, शक्ति संतुलन के अंतर्गत बंधे राज्य आक्रमणकारियों का विरोध करके उस सबके हितों को आक्रमण से हानि पहुंचाने की संभावना होगी। शक्ति संतुलन की व्यवस्था के अंतर्गत बहुधा ऐसा होता है कि जिस राज्य का राष्ट्रीय हित आक्रमण से प्रभावित नहीं होता वह युद्ध के पचड़े से दूर रहते हैं। लेकिन सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत यह मानता है कि किसी भी राष्ट्र पर किया गया आक्रमण शांति के लिए संकट है और इसका विरोध करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र जो है कटिबद्ध रहना चाहिए उसको। उसके बाद है, शक्ति संतुलन की व्यवस्था ढीली ढाली होती है जबकि सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ और संगठनबद्ध होती है। नेक्स्ट जो अंतर है वो शक्ति संतुलन व्यवस्था यथार्थवादी है तथा यह एक राष्ट्र को आक्रमण का विरोध करने की केवल तभी सलाह देती है जब आक्रमण उसकी स्वयं की सुरक्षा के लिए घातक होता है। और इधर सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था कुछ अधिक सैद्धांतिक और आदर्शवादी होती है, क्योंकि यह राज्य को सदैव आक्रमण का विरोध करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि उसका हित आक्रमण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। यह इस सिद्धांत पर आधारित होती है। अगला जो अंतर है कि शक्ति संतुलन की व्यवस्था सकारात्मक है, क्योंकि इस व्यवस्था में राष्ट्र विचार सिद्धांत मान्यताओं और सामान्य हित की दृष्टि से मिलकर एक होते हैं।
जबकि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था नकारात्मक होती है क्योंकि इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्र आक्रमण का विरोध करने की भावना से एकत्रित हुए होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा के मध्य जो है असमानताओं के बावजूद इसमें कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं। इसके विरोध के इन मान्यताओं में के प्रतिरोध के सिद्धांत पर आधारित होती है। शक्ति संतुलन में स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाया जाता है कि विरोधी मुंह ना उठा सके, और सामूहिक सुरक्षा में भी शक्ति का एकत्रीकरण कर आक्रमणकारी की महत्वाकांक्षाओं को पर प्रतिबंध लगाया जाता है। और दोनों ही अवधारणाएं शांति के लिए युद्ध वॉर फॉर पीस में विश्वास रखती हैं, और दोनों ही राज्यों के सामूहिक सहयोग में विश्वास करती हैं। और इस तरह से क्लाइड के अनुसार सामूहिक सुरक्षा को शक्ति संतुलन का एक परिवर्धक संस्करण माना जाता है, ना कि पूरी तरह से भिन्न और शक्ति संतुलन का विकल्प। और इसलिए क्विंसी राइट ने सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन के बीच अंतर बताया है जो कला और प्रकृति के अंतर्गत होता है। तो जो समानताओं के अतिरिक्त शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा में कुछ असमानताओं के बाद कुछ समानताएं भी होती हैं, और वो असमानताएं जो समानताएं हैं वो है, पहला जो समानता है शक्ति संतुलन तथा सामूहिक सुरक्षा में कि शक्ति संतुलन तथा सामूहिक सुरक्षा दोनों ही का लक्ष्य सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा विश्व शांति की स्थापना करना है तथा राज्यों की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। दूसरा, दोनों ही विचारधाराएं शक्ति के विचार पर आधारित हैं तथा इनमें राष्ट्रों के पारस्परिक शक्ति का अनुमान लगाया जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि शक्ति संतुलन का अर्थ शक्ति के समान तथा असमान वितरण दोनों रूपों में लिया जाता है। संतुलन का अर्थ अपने विरोधी के मुकाबले में शक्ति प्राधानता से हटकर से भी अधिक लिया जाता है, और सामूहिक सुरक्षा के लिए जो शक्ति की अधिकता एक शक्ति की अधिकता एक आवश्यक शर्त है। शक्ति संतुलन तथा सामूहिक सुरक्षा दोनों शक्ति की अधिकता के अधिकता पर बल देता है। और इस तरह से चौथा जो इसमें समानता है इन दोनों में कि दोनों ही सिद्धांत यथा स्थिति कायम रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अस्थायित्व शांति सुरक्षा को बनाए रखना चाहते हैं। जो पांचवा समानता है इन दोनों में, तो दोनों ही सिद्धांत आवश्यकता पड़ने पर युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं, तथापि दोनों के लक्ष्य शांति को बनाए रखना है, परंतु भविष्य में अस्थायी शांति बनाए रखने की दृष्टि से वर्तमान शांति को भंग करना यह उचित समझते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है प्रभावी विश्व सरकार के अभाव में सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था को शक्ति संतुलन के रूप में ही लागू किया जाता है। और जो अंतिम है समानता, वो है कि शक्ति संतुलन तथा सामूहिक सुरक्षा दोनों शक्ति को नियंत्रित करने के साधन हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शक्ति संतुलन तथा सामूहिक सुरक्षा में असमानताएं, बहुत सारी असमानताएं हैं, और असमानताओं के बावजूद इसमें हमें कुछ जो है जो समानताएं दिखाई देती हैं जिसका अध्ययन अभी हमने किया। अब है कि जो सामूहिक सुरक्षा है और सामूहिक जो सुरक्षा है उसको संयुक्त राष्ट्र संघ तथा राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसमें क्या अंतर था दोनों के, दोनों ही हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं और इन दोनों में अंतर क्या है हम इसको देखेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत पाई जाने वाली सामूहिक सुरक्षा और राष्ट्र संघ के अंतर्गत स्थापित सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था में पर्याप्त अंतर है। पहला जो अंतर है कि राष्ट्र संघ के अंतर्गत तो सामूहिक सुरक्षा एक नए विचार की स्वीकृति का सूचक थी, पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पहले ही स्वीकृत विचार के अधिक कारगर तरीके से कार्य करने के लिए घोतक है। दूसरा जो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र बल प्रयोग करने का अधिकार है जो राष्ट्र संघ को प्राप्त नहीं थी। और तीसरा जो है सामूहिक सुरक्षा की कार्रवाई को सफल बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत महाशक्तियों को वीटो प्रदान करने की विशेष रूप से उत्तरदायी बना दिया गया था।
और महाशक्तियों को वीटो की शक्ति राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो थी वो प्राप्त नहीं थी। तो ये उसके अंतर था, तीसरा अंतर था। चौथा जो है कि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के विधान में प्रादेशिक संगठनों की स्थापना को उचित बताया गया था तथा सदस्य राष्ट्रों को ऐसे संगठन बनाने की अनुमति दी गई थी, परंतु राष्ट्र संघ जो था हमारा लीग ऑफ नेशन, उसके अंतर्गत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। पांचवा जो अंतर था कि राष्ट्र संघ ने मंचूरिया और अबिसिनिया की घटनाओं के समय भी सामूहिक सुरक्षा के प्रावधानों का क्रियान्वयन नहीं किया, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत सामूहिक सुरक्षा के प्रावधानों का क्रियान्वयन जो है वो किया जाता है और किया गया है, और यह एक क्रांति का सूचक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत वह उस क्रांति के फलों को मजबूत बनाने के लिए प्रयत्न का एक सूचक है। तो मतलब राष्ट्र संघ के अंतर्गत वैसे व्यवस्था नहीं थी कार्रवाई करने की, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बहुत बार जो है वो इस तरह की कार्रवाई करके सामूहिक सुरक्षा को जो है वो लागू किया गया है। अब है कि इसकी हम प्रासंगिकता की बात करते हैं कि सामूहिक सुरक्षा का जो विचार है, कंसेप्ट है, उसका उसकी वो अप्रासंगिक है तो क्यों है, और अगर प्रासंगिक है तो क्यों है, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं उसके जो रेलिवेंस हैं उससे रिलेटेड या नहीं है। तो ऐसा कहा जाता है कि सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत पुराना पड़ चुका है। यह पुरानापन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में पिछले दिनों कुछ परिवर्तन का के कारण आया है। शुरू में सामूहिक सुरक्षा की कल्पना उस तरह के युद्ध के संदर्भ में उदित थी जो अपने पुराने ढेरों का रह गया। परमाणु युद्ध के खतरे में अब ऐसी अनेक समस्याएं पैदा हो गई हैं जिससे कि सामूहिक सुरक्षा को असामयिक बना दिया है। क्यों बहुत संभव है कि सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत को क्रियान्वित करने से पहले ही आक्रमण का शिकार राज्य पूर्ण रूप से विनिष्ट हो जाएगा। यही नहीं, आधुनिक विश्व में शक्ति के द्विध्रुवीकरण के इस सिद्धांत की क्रियान्वित को एक प्रकार से असंभव बना दिया है, और द्विध्रुवीकरण के परिणाम स्वरूप शक्ति वितरण की जो का प्रतिरूप या जो ढर्रा है ऐसा नहीं रह गया है कि हर राज्य सामूहिक कार्रवाई के नियंत्रण में आ सके। आज आक्रमण की परिभाषा करना भी बड़ा कठिन है। सामूहिक सुरक्षा के विचार के जन्म के साथ आक्रमण की जो धारणा प्रचलित थी उसमें परोक्ष आक्रमणों की विविध तकनीकों के कारण बड़ा परिवर्तन जो है वो देखने को मिला है, और इस प्रकार गुट निरपेक्ष राज्य के उदय के कारण भी सामूहिक सुरक्षा का क्रियान्वयन कर किया जाना बहुत कठिन है, क्योंकि गुट निरपेक्ष कहलाने वाले राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय झमेले से दूर रहना पसंद करते हैं। और मार्गेंथाउ ने कहा है कि सामूहिक सुरक्षा का राजनय का ध्येय जो अब तक स्थानीय द्वंद्वों को विश्व द्वंद्वों में बदलना होता है। यदि यह शांति का एक नया संसार नहीं बना सकती तो यह युद्ध का एक संसार बनाए बिना नहीं रह सकती, क्योंकि शांति को अविभाज्य माना गया है, और इससे यह तथ्य निकलता है कि युद्ध भी अविभाज्य होता है। सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा के अंतर्गत संसार के सभी स्थान पर युद्ध सशक्त रूप में विश्व युद्ध हैं, और इस प्रकार युद्ध को असंभव बनाने वाले यंत्र का अंत युद्ध की विश्वव्यापी बनाकर ही होता है। दो राष्ट्र में शांति संरक्षण के स्थान पर जैसे कि उसे समकालिक संसार में काम करना चाहिए, सामूहिक सुरक्षा सब राष्ट्रों के बीच शांति भंग करने पर बाध्य है। और इस तरह से हम देखते हैं कि सामूहिक सुरक्षा की जो धारणा को अव्यवहारिक बताते हुए वाल्टर लिपमैन ने बहुत बड़ा व्यंग किया है कि यदि किसी शिल्प चिकित्सा के कहते हुए कहा है कि यदि कोई शल्य चिकित्सक से किसी रोगी की टांग काटने के लिए कहा जाए तो उसके लिए उसे स्वयं बांह को काटना पड़ेगा तो कोई शल्य चिकित्सक ही नहीं हो सकेगा। यदि चोरों, हथियारों और ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने वाले को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को युद्ध आरंभ कर देना पड़े तो इससे न्यायालय, कारागार तथा घर सभी नष्ट हो जाएंगे और हमारे नगरों में कानून की कोई
कानून को कोई भी क्रियान्वित नहीं कर सकेगी। और मनुष्य जो है वो सुअर को भूनने के लिए अपने अनाज के गोदामों में आग नहीं लगाएगी। मैं इस बात को दोहराता हूँ कि सामूहिक सुरक्षा की पद्धति बहुत ही भौड़ी और महंगी तथा सामान्य एवं अनियमित प्रयोग के लिए बहुत अविश्वसनीय है। मतलब ये विचार जो है आपका वाल्टर लिपमैन की का ये कथन है, ठीक है। और यह वह निरपराध लोगों का संहार करने का आह्वान करके शांति की स्थापना करने का प्रस्ताव का समर्थन करती है। कोई भी विश्व व्यवस्था ऐसे सिद्धांतों के ऊपर आधारित नहीं होगी या नहीं की जा सकती है जो उसे सभ्य मानवता विशेषता निर्दोष एवं अपराधियों के बीच उत्तरदायी और अनुत्तरदायी के विभेद को मानते हैं और इस सिद्धांत को अपना समर्थन कभी नहीं दे सकेगी। ये बातें जो है वाल्टर लिप्समैन के शब्द थे। तो इस प्रकार सामूहिक जो सुरक्षा है का युद्ध यथा स्थिति की स्थापना के लिए होता है और इसलिए सामूहिक सुरक्षा को लिप्समैन ने एक यथा स्थिति या उसका संरक्षक के रूप में इसको जो है बताने का प्रयास किया है। और हम देखते हैं कि जो सामूहिक सुरक्षा जो है सामूहिक सुरक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो है वो अगर उसको कायम करके ही विश्व में शांति को स्थापित की जा सकती है और यह एक शक्तिशाली टूल्स है टूल्स के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति को स्थापित करने के लिए तथा आक्रमण का निवारण करने के लिए एक युक्तियुक्त रूप में इस सामूहिक जो सुरक्षा की अवधारणा है उसका एक विशिष्ट महत्व है। और यह जो अवधारणा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा निःशस्त्रीकरण के दृष्टिकोण से भी जुड़ी हुई है कि कोई भी देश जो आक्रामक देश है किसी देश पर अगर कार्रवाई करती है तो सामूहिक सुरक्षा की नीति का अनुसरण करते हुए बाकी जो देश हैं वो जो हैं युद्ध को रोकने के लिए सामूहिक रूप से कार्रवाई करेंगे। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज चूंकि ये आणविक युग है और इसमें जो है सभी जो देश हैं परमाणु हथियारों से लैस हैं तो कोई भी जो झुकना नहीं चाहता। लेकिन हाँ अगर सही ढंग से प्रयास किया जाए तो जो सामूहिक सुरक्षा का जो कंसेप्ट है सामूहिक सुरक्षा की जो बात है कि सब लोग मिलकर जो है वो एक एक जो एकता का जो संबोधन होता है कि जिससे सारे विश्व जो है वो एक है। अगर किसी एक पर हमला होता है तो वो सारे विश्व पर हमला माना जाता है और वो सबका अपमान माना जाता है और इसलिए जो है जो हमलाकारी है उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाती है ताकि जो आने वाले संभावित युद्ध हैं उसको टाला जा सके और विश्व में शांति की स्थापना जो है को स्थापित की जा सके और जो पीस है वो पूरे वर्ल्ड में इसको पीस को एस्टेब्लिश करने का कार्य जो है वो किया जा सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सामूहिक सुरक्षा जो है व्यवस्था जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यवस्था है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत और इसको विचारकों के द्वारा जो सामूहिक सुरक्षा और शक्ति संतुलन को एक समझा गया है। लेकिन जो शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा जो है ये कुछ लोग इसको जो शक्ति संतुलन के सिद्धांत का विकल्प मानती है लेकिन विकल्प के रूप में इसको देखती है और इसका सामूहिक सुरक्षा का व्यवस्था का प्रतिपादन इस रूप में किया जाता है कि शक्ति संतुलन की व्यवस्था का अंत करके अंतर्राष्ट्रीय समाज के रूप को बदला जा सके और इसका जो विचार है शक्ति संतुलन का इसके सिद्धांत की निहित मान्यताएं जो हैं सामूहिक सुरक्षा के विचार से जो है वो मेल नहीं खाती हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि सामूहिक सुरक्षा था जो शक्ति संतुलन है ये दोनों में समानताएं और असमानताएं भी पाई जाती हैं। कुछ चीज़ों को लेकर दोनों में समानताएं हैं तो कुछ चीज़ों को लेकर इसमें असमानताएं भी देखी जाती हैं। और सामूहिक सुरक्षा को अगर देखें तो राष्ट्र संघ के अंतर्गत भी यह था और सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा से राष्ट्र संघ के रूप में पहली बार एक संगठनात्मक रूप जो था इसको धारण किया था और राष्ट्र संघ के विधान की जो धारा 10 था 16 था तक सामूहिक सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों की चर्चा की गई थी और उसमें सामूहिक कार्रवाई करने की जो है वो बात की गई थी और उसमें बहुत सारा केस था जिसमें किया भी गया था जैसे कोर्फू
टापू का मामला हो, मंचूरिया का कांड हो, या फिर जो है मंचूरिया के कांड के बाद अबिसिनिया का पर आक्रमण हो, होरोल लावा समझौता हो, तो इन सभी में जो है राष्ट्रसंघ के अंतर्गत सामूहिक सुरक्षा को स्थान दिया गया था। और ठीक उसी तरह से अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत देखें तो सामूहिक कार्रवाई के द्वारा, सामूहिक कलेक्टिव सिक्योरिटी के द्वारा कोरिया जो मामला था उसको, उस पर जो है वो कार्रवाई की गई थी। स्वेज जो संकट का मामला था या खाड़ी संकट था, इन सब में सामूहिक कार्रवाई के द्वारा जो है संगठित करके जो है वो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत को अपनाते हुए युद्ध को रोकने का प्रयास किया गया और शांति को एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामूहिक सुरक्षा का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी व्यापक है और इसमें पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने और एक पूरे विश्व में शांति को एस्टेब्लिश करने के रूप में और एक शक्ति संतुलन के साधन के रूप में या उसके विकल्प के रूप में इसको जो है वो समझा जा सकता है। और इसको किसी भी देश को सामूहिक कार्रवाई के द्वारा उसको गलत करने से रोकने का एक एक तरह से हथियार के रूप में इसको प्रयुक्त किया जा सकता है। और इसका जो इम्पोर्टेंस है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत बहुत ही महत्व स्थान है और इसके द्वारा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से बड़े बड़े युद्धों को रोकने में सफल रही है। तो ये था हमारा आज का क्लास नए टॉपिक के साथ। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। एक चीज़ और जो मैं बोलना चाहती थी, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं भूल गई आपको बताना क्लास को ख़त्म करने से पहले, मैं उसको बोल दूं कि सामूहिक क्वेश्चन आप लिख लें, सामूहिक सुरक्षा से क्या आपका अभिप्राय है और सामूहिक सुरक्षा तथा शक्ति संतुलन में पाई जाने वाली समानता तथा असमानताओं की चर्चा करें। दूसरा क्वेश्चन, सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का विवेचन करें तथा शक्ति संतुलन एवं सामूहिक सुरक्षा के मध्य अंतर को बताएं, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, सामूहिक सुरक्षा पर एक जो है वो निबंध लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, सामूहिक सुरक्षा की अभिवृद्धि में संयुक्त राष्ट्र संघ के योगदान का परीक्षण करें। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं और आप इसको उसका आंसर जो है बना लें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए हैं और ये पूछे भी जा सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स में, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। तो इन सब क्वेश्चंस को आप लेक्चर्स को सुनकर उसको उससे बना लें, आपके एग्ज़ाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।